So, hello students, welcome back all of you. एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल क्लास ट्वेंटी फोर पर जी हाँ जैसे कि आप पीछे देख रहे हैं यहाँ पर रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में तीन दिन के लिए ध्यान रखिएगा रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में तीन दिन यानी कि अट्ठाईस उनतीस और तीस तीन दिन जो है ये हमारा डिस्काउंट का एक ऑफर जो है वो हमारा क्लास ट्वेंटी लेके आया है इस डिस्काउंट के अंदर आप देख सकते हैं बेटा जो डिस्काउंट मेरा है ये डिस्काउंट मेरा यहां पर देखिए अट्ठाईस और 29 यानी कि आज और एक कल इकतीस सॉरी तीस तारीख ये तीन दिन जो है ये हमारे डिस्काउंट यहाँ पर उपलब्ध है आपके क्लास ट्वेंटी फोर के जितने भी आपके कोर्सेज हैं चाहे पेड हों ठीक है जो भी आपके कोर्सेज हैं चाहे कोर्सेज हो चाहे आपकी जो भी आपकी टेस्ट सीरीज है सबके ऊपर अप्लाई ग्यारह परसेंट का यहाँ पर आपको डिस्काउंट जो है वो फ्लैट उपलब्ध हो रहा है तो इसका जो है हंड्रेड परसेंट आप फायदा उठाइए ऑल कोर्सेज एंड टेस्ट सीरीज पर ये उपलब्ध हो रहा है आपको ठीक है आपको यहाँ पर जो कोड यूज करना है वो कोड यहाँ पर मेरा क्या रहने वाला है वो है राखी कौन को, कौन सा कोड है राखी आर ए के एच आई और अगर आपको और अधिक इसके बारे में जानकारी लेनी है अगर कोई डाउट हो तो ये हमारे एनक्वायरी नंबर हैं आप इनके ऊपर कॉल कर सकते हैं अपने जो भी डाउट्स हैं उनको यहाँ पर दूर कर सकते हैं ठीक है तो ये हमारा यहाँ पर जो है क्लास ट्वेंटी फोर की तरफ से ग्यारह परसेंट ऑफ का एक फ्लैट ऑफ का यहाँ पर एक जो ऑफर है वो लेके आए हैं केवल तीन दिन के लिए ध्यान रखिएगा कल लास्ट डे है इनका कल लास्ट डे है ध्यान रखिएगा अगर आप परचेज करना चाहते हैं अब देखिए यहाँ पर डेली मैं आपको बताता हूं वैसे ठीक है आज मैं थोड़ा ऐड करना भूल गया हूं राजस्थान पुलिस राजस्थान पुलिस की जो टेस्ट सीरीज है टेस्ट सीरीज है देखिए देखिए बेटा टेस्ट सीरीज जो है ठीक है ये थ्री नाइनटी नाइन है जूनियर अकाउंटेंट जूनियर अकाउंटेंट थ्री नाइनटी नाइन ठीक है और तीसरा जो हमारा है वो है वुमेन सुपरवाइजर वुमेन सुपरवाइजर महिला सुपरवाइजर ये टू नाइनटी नाइन की है इनमें इकतीस टेस्ट है इन में 31 और इसमें टेस्ट है। लेटेस्ट पैटर्न के ऊपर आधारित तो ध्यान रखिएगा बेटा टेस्ट सीरीज जो आपकी यहाँ पर है इसको बिल्कुल बढ़िया तरीके से परचेज करिए ताकि आपको दिक्कत न हो क्योंकि बेटा ये टेस्ट सीरीज आपने अगर परचेज कर ली ना तो आपको यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं आएगी मैं बता रहा हूं आपको ठीक है ये कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी क्योंकि टेस्ट सीरीज जो है बहुत बेहतरीन है और आपको इसका भरपूर फायदा उठाना है बेटा ठीक है तो ध्यान रखिएगा हमारी तीनों टेस्ट सीरीज के ऊपर भी ये ऑफर आपका अप्लाई हो रहा है तो इसको बिल्कुल न चुके सो परसेंट इसका फायदा उठाएं क्योंकि ये हमारा ऑफर जो है कल के लिए और है बाकी उसके बाद में ये ऑफर आपको नहीं मिल पाएगा ठीक है बेटा चलिए तो अट्ठाइस उन्तीस तीस तीन दिन का ये ऑफर है चलिए आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं तो अभी तक हम लोगों ने घड़ी के चैप्टर के अंदर घड़ी के चैप्टर के अंदर हम लोगों ने देखा क्या क्या वहां पर था एक तो हम लोगों ने देखे यहाँ पर क्या सीखा है एक तो, तो बेटा एंगल निकालना सीखा है कौन निकालना सीखा है कौन के बाद में फिर हम लोगों ने देखा ओवरलैप क्या होता है और फिर लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने यहाँ पर देखा था ओवरलैप के बाद में कि यहाँ पर आपका परपेंड सॉरी ये ऑपोजिट डायरेक्शन क्या होता है ऑपोजिट ठीक है ऑपोजिट डायरेक्शन क्या होता है आज जो हम लोग यहां पर डिस्कस करने वाले हैं वो है परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर क्या होता है ठीक है परपेंडिकुलर यानी कि लंबवत अवस्था जिसको कहते हैं वो क्या होता है ठीक है आपने अगर पहले पढ़ा हुआ है तो भी कोई दिक्कत नहीं है नहीं पढ़ा है तो अब बढ़िया तरीके से मैं यहां पर आपको करवा दू ठीक है परपेंडिकुलर क्या होता है ये आपने सुना होगा है ना लंबवत अवस्था सुना होगा सुना होगा सॉरी देखिए यहां पर लंबवत अवस्था क्या होता है वो हमें थोड़ा सा देखना है तो लंबवत अवस्था देखिए मैं कह सकता हूं जब <coughs> परपेंडिकुलर या लंबवत अवस्था जब घड़ी की दोनों सुइया मैं कह सकता हूं जब घड़ी की दोनों सुइया दोनों सुइया एक दूसरे के साथ दूसरे के साथ नब्बे डिग्री का कोण बनाती है कोण बनाती है, ठीक है जब 90 डिग्री का वो आपस में एंगल बनाती है तो उस कंडीशन को क्या कहा जाता है उस कंडीशन को कहा जाता है परपेंडिकुलर यानी कि लंबवत अवस्था ठीक है अब नब्बे डिग्री का कोण कैसे बनता है देखो एक तो चलिए मैं पहले इसको समझा देता हूं एक तो बेटा आपने देखा होगा ये वाला समय देखो ध्यान से ठीक है एक तो आपने तीन बजे का समय देखा होगा एक आपने नौ बजे का समय देखा होगा तो ये जो दो आप समय देख रहे हो घड़ी के अंदर इन दोनों अवस्था के अंदर जो आपकी घड़ी की दोनों सया है ये जो स्थिति बना रही है ये स्थिति हमारी कौन सी है ये है आपकी लंबवत अवस्था अरे कौन सी अवस्था है लंबवत अवस्था इसको कहते हैं बेटा परपेंडिकुलर कंडीशन ठीक है अब ये कैसे काम करेगी देखो किस प्रकार से ये वर्कआउट करेगी वो हमें यहां पर देखना है तो सबसे पहले तो देखिए क्या है जैसे मान लीजिए अगर अपन एक बार के लिए मैं इस वाली सुई को यहां पर मान लीजिए मैं हटा देता हूं मैं ये मान कि भैया मेरा जो समय है घड़ी के अंदर वो समय क्या है वो मान लीजिए बारह बजे का समय है कितने बजे का समय है बारह बजे का मान लो दोनों सुइया यहीं पर है ठीक है अब दोनों सुई यहां पर है तो अब एक चीज देखिए कि दोनों क्या दोनों सुइया आपस में लंबत अवस्था बना रही है बिल्कुल नहीं बना रही है बिल्कुल भी नहीं बना रही है तो लंबत अवस्था कैसे बनेगी तो देखिए जैसे ये सुई मान लीजिए सवा बारह का समय होगा सवा बारह का समय यहां पर आएगा देखो इस प्रकार से लंबत अवस्था अभी तक तो नहीं बनी है ठीक है अब देखिए जैसे जैसे ये नीचे जाएगी तो देखो एक क्षण यहां पर ऐसा आएगा जब ये दोनों सुइया आपस में क्या कर लेगी लंबत अवस्था बनाएगी बोलो बनाएगी नहीं बनाएगी यहां पर लंबत अवस्था बनेगी मेरी एक नब्बे डिग्री का कोण बनेगा क्योंकि ये भी थोड़ी आगे आ चुकी होगी तब तक ठीक है ऐसे फिर देखो ये नीचे जाएगी फिर यहां पर आएगी फिर एक देखो जब ये सुई यहां पर आएगी ना अप्रोक्सीमेट तब इधर की तरफ भी एक नब्बे डिग्री का कोण बनेगा इधर की तरफ भी एक नब्बे डिग्री का कोण बनेगा तो यहां पर क्या है कि जैसे यहां मान लो कोई दिक्कत नहीं है यहां पर जो आपके 12 से 1 बजे के इस पूरे एक घंटे में दो बार अवस्था तो बनी मतलब दोबारा बता देता हूं मैं देखिए इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपकी घंटे की सुई इधर होनी चाहिए इधर होनी चाहिए कोई फर्क नहीं पड़ता घंटे की सुई पहले हो या मिनट की सुई पहले हो कोई दिक्कत नहीं है बस दोनों सुइया ऐसे नब्बे डिग्री का कोण बनाना चाहिए एक तो जैसे आपने एग्जाम एग्जाम्पल देखा एक् बेटा इसका तो एक तो इसका एग्जाम्पल याद करना है अपन को एक तो होता है तीन बजे एक तो होता है तीन बजे और एक होता है बेटा नौ बजे ये तीन बजे और नौ बजे ये दो ऐसे एग्जाम्पल हैं जब ये दोनों सुइया आपस में क्या बनाती है नब्बे डिग्री का कोण बनाती है ठीक है अब नब्बे डिग्री का कोण बनाती है तो अब अपन देखते हैं कि जैसे हमने देखा अतिव्यापन जो है वो कितनी बार होता है लंबत अवस्था भी हमें यहाँ पर देखने कितनी बार होती है विपरीत अवस्था हमने देखी थी कितनी बार होता है तो इसमें क्या है जैसे देखो ये बारह बज गए ठीक है अब बारह बज गए तो बारह बज गए तो अब देखो जैसे मैं मा, मैं मान के चल रहा हूँ घंटे की सुई यही है जैसे देखो सवा बारह हो गया सवा बारह हो गया तो घंटे की सुई थोड़ी सी आगे चलेगी नब्बे डिग्री तो नहीं बन रहा है क्योंकि नब्बे बनने वाला है थोड़ा सा और चले तो बन जाए जैसे ये सुई देखो यहां पर आएगी मिनट वाली तो देखो एक यहां पर नब्बे डिग्री का कोण बन गया तो देखो बारह बज के लगभग पंद्रह बीस मिनट के समथिंग जो है हमारा एक नब्बे डिग्री का कोण जो है वो बन चुका है ठीक है वो हमारा बन चुका है अब उसके बाद में देखिए आप यहाँ पर क्या है? उसके बाद में यहाँ पर देखिए क्या है कि यहां पर एक बार तो बन गया है अब और अगर मैं आगे चलू जैसे मान लीजिए मैं कहूँ साढ़े बारह का टाइम हो गया तो साढ़े बारह का टाइम हो गया तो ये सुई यहां पर आ जाएगी अभी तो नहीं बना है ये पौने एक का टाइम हो गया ये एक बजे के पास में सुई आ गई है अब जैसे ये सुई देखो दस के आसपास जाएगी ना यहाँ पर तो आप देखिए यहां पर ये वाला देखो ये हमारी घंटे की सुई है और ये हमारी मिनट की सुई है तो देखो एक यहां पर नब्बे ना बन रहा है ना लगभग पचास पचपन या पैंतालीस पचास के समथिंग एक राउंड फिगर में अगर मैं मानू तो यहां पर मेरा एक लंबत अवस्था फिर से बन रहा है तो मैं ये कह सकता हूं कि देखो एक पहले बना एक अब बना तो कुल मिला के इस एक घंटे में कितनी बार लंबत अवस्था हुई दो बार ध्यान रखिएगा बेटा कितनी बार लंबत अवस्था हुई है ये दो बार लंबत अवस्था हुई है? कितनी बार हुई है दो बार अब और आगे अगर मैं बढ़ू इसमें ठीक है अब जैसे इसी प्रकार से अगर मान लीजिए मैं दो से तीन बजे के बीच में अगर आपको चलू यहां पर ठीक है दो से तीन एक से दो के बीच में चले तो एक से दो के बीच में जब मैं यहां पर चलूंगा तो देखिए ये एक बजे का टाइम है हाल फिलहाल दोनों के बीच में तीस डिग्री का कोण है क्योंकि हम बार बार पढ़ चुके हैं दो अंकों के बीच में तीस डिग्री का कोण होता है अब देखो देखो ये ये घूम के के ऊपर से आएगा जैसे समथिंग टाइम होगा तो घंटे की सुई थोड़ी आगे आ जाएगी नहीं बन रहा पर जैसी ये सुई देखो यहाँ पर जाएगी अप्रोक्सीमेट इस जगह पर तो दोनों के बीच में एक नब्बे डिग्री का कोण बनेगा अप्रोक्सीमेट मैं कह सकता हूं जैसे ये वाला जो समय होगा ना यहाँ पर पच्चीस के लम सम मान लो यहां पर दोनों सुइया नब्बे डिग्री का कोण बनाएगी एक बज के बीस मिनट पच्चीस मिनट के समथिंग जो है ये नब्बे डिग्री का कोण बनाएगी ठीक है अब और जब ये आगे घूम के जाएगी ऐसे करके तो एक देखिए यहां पर भी बनेगा नब्बे डिग्री का कोण जब ये एक बज के अप्रोक्सीमेट मान लीजिए आप पचास पचपन के बीच में टाइम होगा ना तब देखो ये इधर की तरफ भी एक नब्बे डिग्री का कोण बनेगा बनेगा कि नहीं बनेगा तो यहां पर दो बार नब्बे डिग्री के कोण बनते हैं कितनी बार बनते हैं दो बार तो यहां पर भी मैं कितना लिख दूंगा बेटा दो तो ये दो और ये दो चार बार हो गया <coughs> थोड़ा समय में आ रहा है ना बेटा हाँ ये देखो ये आपको ना इतना अगर आपको नहीं भी ज्यादा अगर इसमें समय में आए ना तो कोई दिक्कत नहीं है आपको ये पेपर में नहीं पूछेगा कि बोले मेरे को बताओ कैसे होता है आप तो सिंपल इनके नंबर याद कर लेना भी दो बार होता है तीन बार होता है कितनी बार होता है सिंपल सी चीज है ठीक है भाई आप नंबर याद करो इनके जैसे अब देखो अगर यहां पर मैं वापस इसमें आऊं तो मैं ये कह सकता हूं जैसे दो बजे का टाइम है ये दो बजे का टाइम है दो से तीन कितनी बार होता है ये देखते हैं वो अब दो से तीन की जब मैं बात करूंगा ना बेटा यहां पर तो इसमें क्या है जैसे देखो ये लगभग समय होगा यहां पर एक तो देखो यहां पर ढाई बजे के समथिंग दोनों लंबत अवस्था करेगी ठीक है अब दूसरा क्या होगा चाहे पचपन कर लो ये तीन के पास आ गई ये तीन बजे जो है दूसरी बार ये आपकी लंबवत होगी बेटा मैं ये कह रहा हूं आप यहां पर ना सिंपल देखिए इसमें क्या होता है कि जो आपका एग्जाम्पल है सुनो बेटा जो आपका क्या है एग्जाम्पल है उस एग्जाम्पल के वाले समय पर जो है ये कितनी बार होती है ये आपकी एक एक बार होती है भाई इसको ऐसे समझो देखो अभी जो हमने देखा दो दो बार वाला यहां पर दो बार होती है यहाँ पर दो बार यहाँ पर दो बार पर दो बार दो बार दो बार दो बार और दो बार ठीक तीन बजे एक बार है ऐसे ठीक नौ बजे भी देखो कितनी बार हो रहा है एक बार लंबत अवस्था हो रही है है ना तो मैं इसमें यह कह सकता हूं कि हर घंटे में कितनी बार है दो दो बार है पर यहां पर दो से तीन वाले घंटे में एक बार होती है तीन से चार में भी एक बार होती है आठ से नौ में भी एक बार और नौ से दस में भी एक बार बात समय में आई कि नहीं आई जो दूसरी दूसरा वाला जो समय ना वो हमारा इधर तो ठीक तीन बजे उधर ठीक नौ बजे ठीक है ऐसे होता है इसमें तो यहां पर आप एक चीज देखिए कि जो लंबवत अवस्था है वो किस प्रकार से होती है वो तो हमने देखा कितनी बार होती है वो हमने देख लिया ठीक है तो अब मुझे ये बताइए बेटा ये जो लंबत अवस्था अभी आपने देखी तो ये बारह घंटों में कितनी बार होती है ध्यान रखिएगा बारह घंटों में बारह घंटों में ये जो लंबत अवस्था है ये होती है बेटा कितनी बार ग्यारह बार ठीक है और आपका चौबीस नहीं 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 सॉरी सॉरी गलत लिख दिया मैंने बाईस बार बाईस बार, बार यह डबल होता है बाईस बार और चौबीस घंटों में अगर 24 घंटों में अगर मैं बात करूं तो ये होगा चौवालीस बार देख लो आप गिन के देख लो गिन के देख लो कितनी बार हो रहा है जैसे आप देखो इसमें क्या है अगर मैं यहां गिनूं ये देखो दो और दो चार और दो छ दो आठ आठ दो दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तो यानी कि जो बारह घंटों के अंदर जो ये जो आपकी अः लंबत अवस्था हुई है ये कितनी बार हुई है ये हुई है आपकी बाईस बार कितनी बार हुई है बाईस बार वहां ग्यारह था याद करिए अतिव्यापन की बात करूंगा वो भी ग्यारह बार था विपरीत अवस्था की बात करूंगा वो भी ग्यारह बार था पर जो वि... आपकी लंबवत अवस्था है ये आपकी यहां पर क्या है ये आपकी बाईस बार होती है यानी कि दुगना हो जाता है तो जब बारह घंटों में बाईस बार है तो चौबीस घंटों में कितनी बार हो जाएगा चौवालीस बार ध्यान रखिएगा 12 घंटों में कितनी बार है 22 बार तो 24 घंटे 24 घंटे में दो चक्कर लगेंगे यानी कि चौवालीस बार होता है ठीक है एक चीज यहां पर देखो हर घंटे में दो बार होती है पर कुछ घंटे ऐसे हैं जैसे आठ से नौ एक बार नौ से दस एक बार दो से तीन एक बार तीन से चार एक बार मैं कह सकता हूं इसमें मैं कह सकता हूं इसमें है ना तो यहाँ पर टोटल जो 12 घंटों में हमारी एक प्रकार से लंबत अवस्था होती है वो होती है आपकी 22 बार 24 घंटों में चौवालीस बार है ना जैसे देखो दो और दो चार दो छह दो आठ दो दस दो बारह दो चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तो यहां जो मेरा अगर अगर मैं बात करूं बारह घंटों में है ना बारह घंटों में तो बारह घंटों में ये बार हो जाएगा बाईस बार ठीक है और अगर चौबीस घंटों में अगर मैं बात करूं तो ये हो जाएगा चौवालीस बार तो ये यहां पर मेरा इस प्रकार से जो है आपकी लंबत अवस्था होती है ठीक है, है क्वेश्चन तो है। तो बनते हैं बारह घंटों में बाईस बार चौबीस घंटों में चौवालीस बार आप ऐसे कह सकते हो कि हर घंटे में प्रत्येक घंटे में दो बार होती है प्रत्येक घंटे में कितनी बार होती है दो बार होती है पर एक तो आपका दो से चार के मध्य ठीक है और एक आठ से आपका कहां है दस के मध्य इन दो घंटों में जो है ये चार चार बार न होकर कितनी बार होती है तीन बार देखिए, तीन बार हमें इसका थोड़ा सा ध्यान रखना है तीन बार होती है जैसे आप इसमें देख लो बेटा क्योंकि गड़बड़ जहां होती है ना वहां पर कंफ्यूजन रहता है <laughs> हर घंटे में दो दो बार है यहां तीन बार है और यहां पर भी तीन बार है है ना जैसे आपको मैं कहूं तीन घंटों में कितनी बार आता आप कहोगे छह बार चार घंटों में आठ बार जैसे अपन पहले कैलकुलेशन करते थे ना सेम वैसे यहाँ पर आएगा ठीक है अब जैसे इसमें देखो क्या है क्या है क्वेश्चन देखिए क्या जैसे पहला क्वेश्चन है कि एक दिन में घड़ी की दोनों सुइया जो है कितनी बार एक दूसरे के साथ लंबत आती है लंबत आती है मतलब परपेंडिकुलर आती है बताइए क्या आएगा यहाँ पर बताइए क्या आएगा तो यहाँ पर जो मेरा आंसर आएगा वो सिंपल टाइप का है आपको पूछा एक दिन में आप कहोगे बाईस बार कितना आ जाएगा बाईस बार सिंपल सी बात है कि एक दिन में घड़ी की दोनों सुइया कितनी बार लंबत अवस्था आती है तो यहाँ पर आता है बाईस बार कितना आ जाएगा? बाईस बार आ जाएगा जाएगा बार ठीक है अगला देखिए यहाँ पर क्या है कि टू सेवन पीएम टूडे तो आप देखिए प्रातः सात बजे से प्रातः सात बजे से दूसरा है साय सात बजे अब एक बात बताओ बेटा प्रातः सात से साय सात बजे तक है ना प्रातः सात से साए सात बजे तक टोटल कितने घंटे होंगे बारह घंटे और कब के है दोनों आज के ही है कल का नहीं है आज के तो बारह घंटे यानी कि कितना हो जाएगा बार बार सिंपल सिंपल कर दो एक तो ये सिंपल टाइप के क्वेश्चन है देखो ऐसे ही हमारे एग्जाम में जो है ना सिंपल टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं ठीक है थोड़ा देखना है इनको और दूसरा देखिए यहां पर क्या है कि बताइए सुबह दस बजे से शाम आठ बजे तक अब देखो टेन ए एम से लेके है ना सुबह दस से शाम को आठ बजे तक एट पी तक निकालना है एट पीएम तक नि... अब देखो ये थोड़ा सा यहां पर हो जाता है है मेरा अब इसमें देखिए कितनी बार 90 डिग्री का कोण बनाती है? ऐसे पूछ लिया तो अब आप एक बात बताओ बेटा यहां पर देखो क्या है अगर मैं इसमें कैलकुलेट करूंगा सुबह 10 बजे से शाम को 8 बजे तक ठीक है तो यहां पर देखो कैसे होगा ये सुबह 10 बजे हो गया है ठीक है और हमें इस प्रकार से घूमते हुए इस प्रकार से घूमते हुए यहां पर आठ बजे आके रुक जाना है आठ बजे आके क्या करना है रुक जाना है तो यहां पर देखो दो और दो चार दो छह दो, दो आठ नो दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस तो यानी कि जो मेरा आंसर जो आ रहा है वो कितना आ रहा है उन्नीस बार आ रहा है कितनी बार आ रहा है उन्नीस बार पर बेटा दिक्कत ये है कि देखो अभी हम लोगों ने ना घड़ी बना के इसको कैलकुलेट किया घड़ी बना के हमने इसको काउंट किया पेपर में घड़ी नहीं बना सकते घड़ी नहीं बना पाएंगे हम लोग तो फिर इसको करेंगे कैसे तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हम लोगों को करना क्या जैसे हमने अति व्यापन में किया जैसे हमने विपरीत अवस्था में किया वैसे यहां पर हमारा आंसर आने वाला बहुत सिंपल है बेटा डायरेक्ट शॉर्टकट भी मैं आपको इसका बताऊंगा आपको इसमें क्या करना है देखो जैसे हमने अति व्यापन में घंटे गिनते थे सेम यहाँ घंटे गिनिए जैसे कि देखिए दस से आठ बजे तक है ठीक है दस से आठ बजे तक है तो दस से आठ बजे तक यहां पर है तो आप देखिए ग्यारह बारह एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ कितने घंटे हो गए दस सिंपल सी चीज है आप ये देखिए कि यहां पर जो मेरे घंटे हो रहे हैं वो कितने हैं दस भाई पेपर में कैसे करना है वो बता रहा हूं मैं आपको भाई पूरे पूरे बारह घंटे का आपको पता है पूरे पूरे चौबीस घंटे का आपको पता है पर आपको जो है यहाँ पर दस घंटे का नहीं पता है तो आप एक काम करिए यहां पर दस का डबल कर दीजिए यानी कि बीस बार क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले हमने ये देखा था कि ये एक घंटे में कितनी बार होता है दो बार होता है तो दस घंटे में कितनी बार हो जाएगा बीस बार हो जाएगा बेटा कितनी बार हो जाएगा बीस बार हो जाएगा अब आप ये देखो क्या इन दस घंटों में क्या इन दस घंटों में आठ से दस बजे वाले दो घंटे आते हैं बिल्कुल नहीं आएंगे क्योंकि ये मेरा दस बजे से स्टार्ट होकर शाम को आठ तो आठ से दस का तो टाइम आया ही नहीं ये नहीं आ रहा है भाई जैसे अपन में देखते थे ना कि ग्यारह से एक का समय आ रहा है क्या आ रहा है तो माइनस वन करो याद है क्या अरे याद है ना क्योंकि गड़बड़ वही होती थी सेम वैसा ही यहाँ पर है यहाँ पर आपकी जो गड़बड़ होती है वो एक तो आठ से दस बजे होती है और दूसरा कहाँ पर होती है वो होती है दो से चार बजे ध्यान से देखो बेटा एक तो यहां पर गड़बड़ होती है एक यहां पर तो आपको आठ से दस वाला समय देखो और दो से चार वाला समय देखो जैसे यहां पर देखिए अगर मैं कहूं इसमें आठ से दस वाला समय नहीं आता परंतु दो से चार वाला आएगा अगर आएगा तो एक बार माइनस वन कर दीजिए आंसर मेरा कितना आ जाएगा उन्नीस बार तो यहां पर मेरा आंसर उन्नीस आ जाएगा ठीक है अगर मान लो दोनों ही आ रहे हैं सुनो बेटा अगर दोनों ही आ रहे हैं ना तो आप एक काम करो दो बार माइनस वन कर दो फिर आता मेरा फिर मेरा कितनी बार 18 बार आता तो यहां पर अगर दो बार माइनस दोनों टाइम आ जाए दोनों वाले दो दो घंटे आ जाए तो दो बार माइनस वन करना पड़ेगा तो यहां पर फिर मेरा उसके अकॉर्डिंग आंसर आएगा यहां पर देखिए क्या है इसमें फ्रॉम सेवन ए एम टूडे टू इलेवन ए एम ना अब देखो यहां पर क्या है प्रातः सात बजे से ध्यान से सुन लेना ग्यारह बजे सुबह से लेके कल सुबह ग्यारह बजे ध्यान रखिएगा अब आप बेटा ध्यान रखो सिंपल आज ग्यारह बजे से लेके कल सुबह ग्यारह बताओ रात के बजे ग्यारह फिर सुबह के कितने घंटे हो गए चौबीस तो ये चौबीस घंटे हमको याद है तो हमने डायरेक्ट इसमें कह सकता हूं आपका कितना चौवालीस बार तो यहां पर तो आपका चौवालीस डायरेक्ट है अच्छा अब एक बात देखो यहाँ पर कितनी बार लंबत अवस्था बनाती है तो ये तो क्वेश्चन ही आपका थोड़ा सा गड़बड़ हो गया बेटा इसके आंसर गलत है इसके आंसर गलत है क्योंकि आज पर आता है अच्छा नहीं 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 सात है भाई है तभी तो क्या हुआ है गलत कैसे आ रहा है सेवन है मैंने यही इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में दो बार पढ़ लिया तो वो ग्यारह मैंने इसको कंसिडर कर लिया पर यहां पर सात से ग्यारह है ना तो अब इसको दोबारा करते हैं अपन मैं कहूंगा सात ए एम कब के हैं आज के फिर मुझे कल कहां तक चलना है 11 ए एम तक ठीक है पहले तो आप ये देखो आज सुबह सात से कल सुबह सात बजे तक यह तो हो जाएंगे 24 घंटे और 24 घंटे कितनी बार हो गया चौवालीस बार 24 घंटे यानी कि कितनी बार हो गया चौवालीस बार ठीक है अब चौवालीस बार हो गया तो अब ये देखो सात से ग्यारह ये चार घंटे अरे चार दुनी कितना होता है आठ बार अरे चार दुनी कितना होता है आठ बार अब आप वैसे भी देख सकते थे कि मेरा जो आंसर है वो चौवालीस से बड़ा आएगा देखो डायरेक्ट करने का तरीका बता रहा हूं मैं 24 घंटे में चौवालीस तो चौवालीस से बड़ा आंसर आएगा एक या इक्यावन मेरा यहां सही हो जाता है अगर आप इसको नए भी करें ना तो भी आप इसको कह सकते हैं क्योंकि ऑप्शन मेरे इसी अकॉर्डिंग दिए हुए हैं ऑप्शन ऐसे दिए हुए तो ऑप्शन के हिसाब से यहां पर आप कर सकते हो पर चलिए ऑप्शन के हिसाब से कर लेते हैं तो चौबीस घंटे का तो मैंने चौवालीस लिखा हुआ है अब ये जो चार घंटे हैं इनमें ये देखो क्या आठ से दस बजे वाला समय आ रहा है क्या बिल्कुल आ रहा है क्योंकि घड़ी में जब सात बजे से ग्यारह बजेंगे तो ये आठ से दस वाले दो घंटे पड़ेंगे तो बेटा माइनस वन करना है और दो से चार ये नहीं आएगा इसलिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है ठीक है तो आप एक काम करिए यहां पर कितना आ जाएगा चौवालिस और आठ बावन माइनस एक इक्यावन तो यहां पर जो मेरा आंसर आएगा वो कितना आएगा फिफ्टी आएगा कितना आएगा बेटा फिफ्टी वन आएगा मेरी बात आई आपको तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना बहुत बढ़िया तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है अगला देखिए इसमें क्या है अच्छा इसमें कह रहा है? आज दोपहर दो, दो बजे से आज दोपहर दो, दो बजे से ठीक है मतलब दो पीएम से लेके और कल शाम को सात बजे तक ठीक है भाई आज दोपहर दो, दो बजे से कहा से आज दोपहर दो से कल कल शाम को सात पी तक निकालना है कल शाम को कहाँ तक निकालना है सात पीएम तक आपस में कितनी बार ये जो है नब्बे आपका जो कोण है कितना नब्बे डिग्री का कोण जो है वो बनाएंगे ठीक है ये आपसे पूछा है तो यहां पर देखो ये भी बहुत सिंपल है ये भी बहुत सिंपल है कोई मुश्किल नहीं है आप इसमें सिंपल देखें कि आज दो बजे से कल तो एक काम करो कल दोपहर दो, दो बजे तक निकाल लो सिंपल ठीक है तो दो से दो कितना हो गया चौबीस घंटे और चौबीस घंटे यानी कि चौवालीस बार है ना अब एक चीज कंफर्म है चौवालीस से बड़े मेरे आंसर आएगा तो ये दोनों तो मेरे कैंसल हो गए में से एक आंसर है इन दोनों में से एक आंसर तो यहां पर अब आप ये देखो दो से सात बजे तक तीन चार पांच छ सात पांच दूनी दस तो देखो पांच घंटे हो गए और यानी कि यहां पर कितनी बार हो जाएगा दस बार पांच घंटे यानी कि दस बार सिंपल सी चीज समझ में आई भाई जितने घंटे बचते हैं ना उसका डबल कर देना ठीक है कोई बात नहीं आप टेंशन मत मत लो लो अगर कम भी समझ में आ रहा है ना तो आप टेंशन मैं इसको क्लियर करवा दूंगा कोई बात नहीं कोई बात नहीं एक अपन क्लास और ले लेंगे एक घंटा और लगा देंगे कोई दिक्कत नहीं है समय में आ जाएगा संडे को एक स्पेशल सेशन ले लेंगे जिसमें अपन जितने भी डाउट है ना आपके सारे डाउट क्लियर कर देंगे बेटा सारे डाउट क्लियर कर दे तो यहां पर देखिए यहां पर पांच घंटे दस बार हो गया फिर आपको क्या करना है ये जो बारह से कम है इनमें देखिए क्या आपका दो से चार बजे वाले दो घंटे आएंगे अरे जी आएंगे क्या बिल्कुल आएंगे बोले माइनस वन होगा क्या इसमें आठ से दस वाले वो दो घंटे आएंगे बोले जी नहीं आएंगे तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो ये मेरा कितना हो जाएगा तिरपन बार तो यहां पर जो मेरा आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि फिफ्टी थ्री टाइम्स 53 टाइम्स बोला बेटा समय में आया नहीं आया तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को यहां पर सॉल्व करना है ठीक है 53 टाइम्स यहां पर आएगा ठीक है बेटा चलो अगला देखते हैं इसमें क्या है यहां पर अच्छा अब देखिए अब इसके बाद में जो मेरे पास आएगा वो आएगा बेटा समय वो क्या आएगा समय अब यहां पर मेरे पास आएगा लंबवत अवस्था समय लंबवत अवस्था समय समय ठीक है ये कैसे फाइंड आउट करते हैं मतलब वो लंबवत अवस्था का टाइम क्या होगा जब घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के साथ जो है वो नब्बे डिग्री का कोण बनाएगी तो याद कीजिए अतिव्यापन समय जो है अतिव्यापन वाला फॉर्मूला क्या था उसके अंदर अपन ने सिंपल किया था सिक्सटी अपॉन 11 इनटू आवर की वैल्यू रखी थी बजकर का वैल्यू रखा था ओवरलैप में ठीक है अच्छा परपेंडिकुलर सॉरी ऑपोजिट के अंदर हम लोगों ने क्या किया था ऑपोजिट में ऑपोजिट में क्या किया अपॉन मल्टीप्लाई आवर और प्लस सिक्स मल्टीप्लाईनस किया था कल किया था ना अब ये जो बेटा परपेंडिकुलर आएगा परपेंडिकुलर इसमें क्या करना है सिक्सटी अपॉन इलेवन मल्टीप्लाई आवर और प्लस माइनस थ्री करना है और कुछ नहीं करना है. और कुछ नहीं करना है. क्योंकि आप सिंपल याद करो इसका इसका जो यहां छे था क्योंकि 6 बजे अपोजिट डायरेक्शन होती है इसलिए 6 ये 3 बजे होती है ना इसलिए 3 लिख लो वो 0 बजे 12 बजे कह लो या 0000 बजे कह लो इसलिए यहाँ प्लस माइनस 0 था तो वो अपन ने यहाँ लिखा नहीं ऐसे याद करने का तरीका ये ठीक है ठीके? अब एक चीज यहां थी कि मैं प्लस 6 या माइनस 6 दोनों में से एक लेता था यहां दोनों ही लेने बेटा यहां प्लस 3 भी लेना है और माइनस 3 भी लेना हैं, दोनों ही लेने हैं क्योंकि दोनों से ही आंसर आएगा मेरा ठीक है तो यहां पर मैं फॉर्मूला लिख देता हूं फॉर्मूला जो मेरा है वो ये होगा साठ बटे ग्यारह गुणा में बजकर और प्लस माइनस थ्री ठीक है या मैं कह सकता हूं इसको आवर की वैल्यू सिक्सटी अपॉन इलेवन मल्टीप्लाई आवर और प्लस माइनस थ्री अच्छा ये बचकर और ये क्या होता है ये प्रारंभिक समय होता है प्रारंभिक समय याद है जैसे चार से पांच का टाइम है तो हम चार लेते थे ऑलवेज है ना पांच से छह का टाइम है तो पांच लेना है सात से आठ का टाइम है तो सात लेना है वो चीजें हैं दूसरा यहां पर प्लस थ्री तथा माइनस थ्री तथा माइनस थ्री दोनों से दोनों से समय ज्ञात करते बेटा ध्यान रखिएगा ज्ञात करते हैं ठीक है दोनों से दोनों ही लेना है एक नहीं लेना आपको एक नहीं लेना जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको यहाँ पर कहूँ कि देखो जैसे मान लो ये क्वेश्चन आया मेरे पास ठीक है अब कुछ क्वेश्चन बता देता हूं मैं। अच्छे से प्रैक्टिस भी हो जाएगी आपकी जैसे ये वाला क्वेश्चन है आप इसमें ये देखिए <coughs> कि चार बजे से पांच बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां कब एक दूसरे के लंबवत होंगी यानी कि वो लंबवत परपेंडिकुलर कब होगी ठीक है तो अब देखिए आपका समय जो है वो क्या है चार से पांच बजे का समय ठीक है।, है तो आपका जो भी टाइम रहेगा एक चीज कन्फर्म है चार बज के कुछ मिनट रहेगा तो यहां पर चार हमारे पास काम आएगा दूसरा देखो एक मैंने इसको ऐसे भी बताया था आपको कि आप इतना न लिखकर आप सिंपल कर सकते हैं जैसे <coughs> साठ बटा ग्यारह गुणा ये इधर वाला लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि इसकी वैल्यू हमें पता है इसकी वैल्यू हमें क्या है पता है जैसे यहां पर देखिए आप इस क्वेश्चन के अंदर जैसे चार से पांच का टाइम दिया है अब आप कैसे कैलकुलेट करोगे इसमें तो आपको केवल और केवल ये मिनट वाली वैल्यू निकालनी है बेटा ये मिनट वाली वैल्यू जो है वो निकालनी है तो कैसे निकालेंगे देखिए मेरा फॉर्मूला है बजकर साठ बटे ग्यारह गुणा में बजकर और प्लस माइनस तीन है प्लस माइनस क्या है तीन है मुझे प्लस तीन माइनस तीन दोनों लेना है तो बजकर की जगह मैं क्या रखूंगा मैं स्टार्टिंग टाइम हमेशा चार इस पांच का कोई लेना देना नहीं है क्योंकि टाइम मेरा चार बज के कुछ मिनट रहेगा आप लिखिए चार बज के साठ बटे ग्यारह गुणा में चार प्लस माइनस तीन ठीक है चार प्लस माइनस तीन देखो जैसे लंबत अवस्था मैंने बताया था भी, चार प्लस माइनस को एक साथ नहीं कर सकते तो या तो आप प्लस लो या माइनस लो तो एक काम करते हैं पर पहले मैं इसको ऐसे लिखता हूं चार बज के साठ बटे ग्यारह गुणा में चार प्लस तीन ठीक है चार और तीन कितना हो गया सात है ना और दूसरी तरफ आप इसको ऐसे लिख लीजिए चार बज के साठ बटे ग्यारह गुणा में चार माइनस तीन शॉर्टकट भी बताऊंगा टेंशन मतलब शॉर्टकट भी बताऊंगा ठीक है तो चार और तीन सात सात छ का बयालीस ये मेरा हो जाता है चार सौ बीस बटे में ग्यारह चार सौ बीस बटे में कितना हो गया ग्यारह अब यहां पर देखिए क्या होगा चार बज के अब चार सौ बीस में ग्यारह तीय तेतीस ग्यारह अठे अट्ठासी दो बटे ग्यारह मेरा एक तो आंसर बेटा यह आएगा एक तो आंसर देखो अब मेरी प्रैक्टिस अच्छी है डिवाइड वगैरह करने की आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे आपकी स्पीड भी अच्छी हो जाएगी पर प्रैक्टिस करोगे तब होगी ठीक है तो आप भी बढ़िया प्रैक्टिस करो दूसरा देखिए यहाँ पर क्या है अगर मैं इसमें बात करूं तो यह आएगा चार बज के साठ बटे ग्यारह गुणा में चार में से तीन गया एक तो यह आ जाएगा चार बज के साठ बटे ग्यारह तो यानी यह कि यहां पर मेरा आएगा चार बज के पांच सही पांच बटे ग्यारह आएगा ठीक है अब ये दोनों आंसर यहां पर सही है दोनों आंसर यहां पर सही है मैं फिर से कहूंगा आपको प्लस भी लेना है माइनस भी लेना है और बजकर या घंटे की जगह क्या रखोगे वही स्टार्टिंग टाइम जो हम लोग पिछले दो दिन से हम लोग कर रहे हैं पिछले क्लासेस में हमने यही लिया था वही यहां पर लेना है तो यहां पर मेरा ये भी सही है ये भी सही है अब चूंकि यहां ऑप्शन के अंदर आपको जो है ये वाला बत्तीस सही आठ वटे ग्यारह दिया तो ये मेरा सही हो जाए ये वाला मेरा सही हो जाए उसको हम लोग जरूरत नहीं है क्योंकि वो यहां दिया ही नहीं है। अब बत्तीस में 38 में ऐसे दे रखा बात समय में आई बेटा हाँ ऐसे करना है ठीक है अब देखो जैसे मान लीजिए इसका एक और क्वेश्चन है इसका एक और क्वेश्चन है कि वेन इज द आवर एंड मिनट हैंड्स कम्स परपेंडिकुलर टू इचर बिफोर एट ओ क्लॉक मतलब आठ बजे से पहले अरे आठ बजे से पहले मतलब मेरा टाइम क्या होगा सात से आठ बजे के बीच में इसका मतलब ये क्या पूछ रहा है सात से आठ के मध्य देखो देखो पूछने का तरीका क्या है आठ बजे से पहले सात से आठ कॉमन सेंस लगाएंगे अपन इसमें सात से आठ तो चलिए ये भी एक क्वेश्चन हम लोग इसमें करके देख रहे हैं यहां पर मेरा क्या होगा देखो अब डायरेक्ट कर दू क्या मैं चलो पूरा ही लिख देता हूं मैं सात बज के साठ बटे ग्यारह गुणा में सात प्लस माइनस तीन सात प्लस माइनस तीन अब सात और तीन हो गया तो दस तो एक तो आप कह सकते हो साठ बटे ग्यारह गुणा में सात प्लस में तीन है ना और दूसरी तरफ आप क्या लिखोगे सात बज के साठ बटे ग्यारह गुणा में सात माइनस तीन ये यहां पर होगा ठीक है तो सात और तीन हो गया दस और दस, और दस को छह से करोगे यह आ जाएगा छ सौ बटे में ग्यारह अच्छा सात में से तीन घटाओगे सात में से तीन घटाओगे दो सौ चालीस बटे में ग्यारह तो, तो कैलकुलेट करोगे ना आप शॉर्टकट भी बता दूंगा टेंशन मत लो शॉर्टकट भी बता दूंगा मैं इसका ठीक है अब देखो ये क्या आएगा यहां पर सात बज के ग्यारह पांच पचपन पांच जीरो ग्यारह चौके चौवालीस छह बटे ग्यारह देखो एक तो मेरा आंसर ये वाला आएगा यहां पर चौवन से छह बटे ग्यारह है क्या नहीं है तो इधर वाला निकालो ये कितना आएगा सात बज के ग्यारह दुआ बाईस ग्यारह एकम ग्यारह नौ बटे ग्यारह दूसरा मेरा आंसर आएगा सात बज के इक्कीस से नौ बटे ग्यारह ये भी नहीं है ये भी नहीं है <coughs> ग्यारह दुआ बाईस दो जीरो ग्यारह एकम ग्यारह इसकी और है नीरा मैंने थोड़ा ध्यान नहीं दिया ईरा है न जाएगा ये आ जाएगा बादश में आई बेटा बाद में आई देखो इनका भी शॉर्टकट होता है मैं आपको शॉर्टकट दोनों ही बता दूंगा ठीक है तीनों के शॉर्टकट एक साथ ही बता दूंगा आप टेंशन मत लो है ना लंबत अवस्था का भी बता दूंगा परपेंडिकुलर का भी बता दूंगा और आपका विपरीत का भी ठीक है ये तीनों एक जैसे ही होते हैं कोई ज्यादा इसमें कॉम्प्लीकेशन नहीं है ना अब जैसे मान लो अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है मान लो ये क्वेश्चन है है ना अब मान लो इसको मैं शॉर्टकट से करना सिखाता हूँ आपको ठीक है शॉर्टकट सीख लो बेटा तीनों का शॉर्टकट एक साथ सिखा रहा हूं शॉर्टकट के लिए आपको बेटा घड़ी बनानी है ठीक है बारह छ तीन नौ दस ग्यारह एक दो चार पांच सात आठ शॉर्टकट सीख लो बेटा अति व्यापन लंबा तवस्था और विपरीत अवस्था तीनों का शॉर्टकट देख लो जैसे मान लीजिए मैं दस से ग्यारह के बीच में आपको क्या पूछा है आपको पूछा कि बताइए एक प्रकार से आ, 90 नब्बे डिग्री का कोण कब बनेगा ठीक है अब यहाँ पर मैं ऑप्शन आपके इस प्रकार से लिख देता हूं जैसे जैसे मान लीजिए यहां पर मेरे ऑप्शन ऐसे हैं दस बज के इक्कीस सही नौ बटे ग्यारह पहला ऑप्शन दूसरा है दस बज के आपका अड़तीस सही या आप, आप कर लीजिए पांच सही पांच बटे ग्यारह यही ले, ले लेते हैं तीसरा मान लीजिए मैं कहूं दस बज के दस बज के चौवन सही छह बटे ग्यारह और चौथा ऑप्शन मान लीजिए यहां पर मैं कर दू दस बज के मान लीजिए सही बटे ऐसे करके ऑप्शन आए ठीक है अब सुन लो बेटा शॉर्टकट सीख लो क्या होता है शॉर्टकट सीख लो क्या होता है अगर मान लीजिए अति व्यापन पूछा है अगर क्या पूछा है अति व्यापन तो आप एक बात बताइए दस और ग्यारह के बीच में अति व्यापन पूछा है तो एक बार बताओ बेटा दस बजे घंटे की सुई कहां रहेगी दस पर और 11 बजे कहाँ आ जाएगी 11 के ऊपर तो मतलब अति व्यापन मतलब दोनों सुइया जो मिलेगी वो निश्चित रूप से इसी एरिया के अंदर मिलेगी अरे इसी यहीं पर मिलेगी क्योंकि पूरा घूम के आएगी अति व्यापन यहाँ कहीं होगा तो आप सिंपल देखिए यहाँ पर 50 मिनट यहाँ 55 तो अति व्यापन पूछा है अरे क्या पूछा है बेटा अति व्यापन अरे अति व्यापन जब पूछा है तो आपका उत्तर कितना आएगा 50 और 55 के बीच में देखो कौन सा ऑप्शन है चौवन तो आपका उत्तर हो जाएगा दस बजकर चौवन सही छह बटे ग्यारह बोलो बेटा टाइम लगेगा बिल्कुल नहीं लगेगा आप, आप उत्तर आएगा जो भी होगा आपका सही होगा दूसरा देखो अगर आपको पूछ ले विपरीत अवस्था अगर आपको पूछ ले विपरीत अवस्था तो देखो दस के ठीक पीछे क्या है चार और ग्यारह के ठीक पीछे क्या है पांच है अरे ठीक अपोजिट देखो तो इसका मतलब विपरीत जब पूछेगा तो हमें संख्याओं का विपरीत देखना है दस का विपरीत होता है चार चार पर होती है बीस मिनट और आपका पांच पर होती है पच्चीस मिनट अरे बीस मिनट और पच्चीस मिनट इसका मतलब विपरीत पूछेगा तो बीस और पच्चीस के बीच में उत्तर आएगा कौन सा है एक नंबर तो मेरा यहां पर उत्तर आएगा दस

है ना नब्बे बनेगा और यहां पर देखो अगर दूसरा देखिए अगर मैं कहूँ कि नब्बे डिग्री कोण बनाने के लिए तीन अंक चलने पड़ते हैं एक दो तीन मतलब मेरी सुई जो है वो इस एरिया में रहेगी पांच और दस मिनट के बीच में और नीचे की तरफ आओगे तो एक दो और तीन मेरा उत्तर आएगा पैंतीस और चालीस मिनट के बीच में आप बताओ या तो दस बज के पैंतीस और चालीस के बीच में या दस बज के पांच और दस के बीच में अच्छा पांच और दस के बीच में ऑप्शन नंबर ए है इसलिए ऑप्शन नंबर ए मेरा यहां पर क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई बेटा यहां पर देखो क्या है? मैं फिर से बताता हूं जब भी आपको कोई क्वेश्चन आए जैसे मान लो मैं आपको कहूं दो से तीन के मध्य क्या निकालना है अति व्यापन अति व्यापन ठीक है तो आप देखो दो पर होती है दस मिनट तीन पर होती है कितनी पंद्रह मिनट तो मैं कहूंगा दो बजकर दो बजकर दस मिनट या पंद्रह मिनट के बीच में उत्तर आएगा ठीक है अगर मैं कहूँ विपरीत अगर मैं कहूँ विपरीत तो दो के ठीक विपरीत कौन सा होता है दो के ठीक विपरीत कौन सा होता है तो आप यहां पर देखो बेटा दो के ठीक सामने होता है आठ तीन के ठीक सामने होता है नौ तो आप कहोगे विपरीत का जो टाइम आएगा वो आठ पर तो होती है चालीस मिनट और नौ पर होती है पैंतालीस मतलब दो बजकर चालीस और पैंतालीस के बीच में आएगा अगर आपको पूछे लंबवत अरे आपको पूछे लंबवत लंबवत तो आप क्या करो है? दो बज के यहां पर देखो दो बज के नीचे तीन अंक चलो एक दो तीन तो मतलब मेरा आंसर आएगा कौन सा पच्चीस और तीस मिनट के बीच में ध्यान रखेगा एक तो उत्तर आएगा पच्चीस और तीस मिनट के बीच में ठीक है दूसरा दो से और तीन के बीच में होती कितनी बार है एक ही होता है तो आंसर एक ही आएगा तो वो यही हमारा आंसर होगा इसके बीच में क्योंकि दूसरी बार होता ही नहीं है ठीक है तो इस प्रकार से और प्रैक्टिस करिए इसके ऊपर कोई दिक्कत नहीं है अगर कोई दिक्कत होगी तो मैं आपको इसको जो है एक दिन पूरा का पूरा पूरे क्लॉक के अंदर जितनी भी दिक्कत आएगी वो सबका सोल्यूशन करवा दे ठीक है बेटा तो आज हम लोग इतना ही करते हैं मिलते हैं अगली क्लास में तब तक के लिए धन्यवाद